नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल इस डेली लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है संख्या 5/6 के हर में। संख्या है, वो संख्या कौन सी है? 5/6। उसके हर में क्या घटाया जाए? ये संख्या है 5/6, तो उसके हर में क्या घटाया जाए कि संख्या क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या घटाया जाए? तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना हर में x घटाने पर x को घटा देते हैं, फिर x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 5/6 × x। हर में बोल रहा है ना, इसीलिए हर में करेंगे। और ये क्या हो जाएगा? 1। अंश में 1 है मतलब हर में भी 1 है, है ना। अब यहाँ से तिरक गुणा करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। क्या हो जाएगा? 5/6 × x। अब x को हम इधर ले आते हैं, ऋणात्मक है इधर आएगा तो वो धनात्मक बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6, और ये इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा 6×5। तो x बराबर क्या आया? 6 में से 5 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे, जोड़ के भी देख लेते हैं, घटा के भी देख लेते हैं। भाई ये 5 है, और क्या बोला गया था? हर में क्या घटाया जाए? तो 1 आया है हमारा आंसर, तो यहाँ पर था 6×1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और 5 और 5 को काटेंगे तो क्या आएगा? 1। तो यही है हमारा आंसर, x=1। तो प्रश्न को आपको समझना है और प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।